CBSE की 12वीं की परीक्षा में देवभूमि हिमाचल से सोलन के होनहार बेटे पार्थ सैनी ने इतिहास रच लिया है। देशभर में महज 2 अंकों के अंतर से पीछे रहे पार्थ को ओवरऑल मेरिट सूची में 3रा स्थान हासिल हुआ है। वहीं नॉन मेडिकल संकाय में पार्थ ऑल इंडिया टॉपर हो सकता है। परिवार के मुताबिक पार्थ सैनी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहा है। हालांकि परिवार मूलतः मंडी के सरकाघाट का रहने वाला है, लेकिन एक अरसे से सोलन के ब्रूरी में ही सेटल है। CBSE की परीक्षा में धमाल मचाने वाला पार्थ सैनी बीट्स पिलानी से बीटेक करने के बाद डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता है। पार्थ सैनी ने विशेष बातचीत के दौरान अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों के अलावा माता पिता को देते हुए कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मेहनत इस हद तक रंग लाएगी। मेरा नाम पार्थ सैनी है और मैंने ऑल इंडिया लेवल पर रैंक 3 आई है मेरी, तो इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा और अपनी टीचर्स को देना चाहूँगा। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। आगे अभी प्लान तो ये है कि इंजीनियरिंग एक अच्छे कॉलेज से करना चाहता हूँ। इतना तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे 99.4% आएंगे, बस मैं 95 तक सोच रहा था, पर जब मैंने 99.4 देखा तो मैं बहुत खुश हुआ और सब बहुत खुश हैं। अच्छा लगता था या कैसे करते हैं? वो तो डिपेंड करता था, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में होऊंगा तो थोड़ा कम पढ़ा जाता था, और अगर किसी दिन हॉलीडेज में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता था तो 4 से 5 या 6 से 7 घंटे मैक्सिमम। मुझे इसके ऊपर बहुत प्राउड है, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतने नंबर हासिल कर लेगा। हमें बहुत प्राउड है और हम बहुत खुश हैं। आगे क्या मतलब कि आगे हम चाहते हैं किसी उसके अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले, और ये इसका जैसे प्लानिंग है कि मैं बीटेक किसी अच्छे टॉप कॉलेज से करूं, हम इसकी उसको करने में पूरी हेल्प करेंगे। जब मेरे बेटे का रिजल्ट निकला तो मैं वैसे शॉक थी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इसके 3rd रैंक भी आ सकता है ऑल इंडिया में, और अबव 95 की हमें वो थी कि अबव 95 इसके आ जाएंगे, लेकिन इतना हमें वो नहीं था। बहुत खुशी हो रही है सर जब इनका इसका रैंक देखा हमने ऑल इंडिया लेवल पे 3rd रैंक, तो इसके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम। कंसिस्टेंटली मतलब 10th से कंटिन्यू अपनी स्टडी पे इसका फोकस था सर। बीच में थोड़ा सा वो कर लेता था एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे मोबाइल पे गेम्स वगैरह खेल लेता था, वैसे स्टडी की तरफ फोकस का था इसका बिल्कुल। नहीं सुबह तो नहीं सर, ये रात को थोड़ा लेट सोता था, बट सुबह मॉर्निंग में नहीं जल्दी उठता था, ये मॉर्निंग में कम स्टडी करता था। वैसे स्कूल के टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प करते थे, गाइड करते थे इनको, एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे, आफ्टर स्कूल भी इनको बिठा बोलते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको बता मतलब कि गाइड करेंगे, आप रुक सकते हो, तो टीचर्स की काफ़ी वो हैं इसके अंदर। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।